done. नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आधा घंटा रह गया है, आधे घंटे बाद कटक में मैच शुरू होगा, दूसरा T20। अब भारत के लिए बहुत कुछ करने को है, वक्त भी कम है। पहला मुकाबला हार गए थे, यानी कि आज अगर भारत की हार हो गई तो ये सीरीज हाथ से चली जाएगी। जागो इंडिया जागो, भारत के पास मौका एक ही है। क्या आज टीम जीत कर सीरीज में वापसी कर सकती है? ओस वहां पर है, क्या ओस एक बार फिर बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है? क्या धोनी नंबर 4 पर उतरेंगे या 5 पर ही खेलेंगे? अमित मिश्रा, हरभजन सिंह, इन दोनों में से एक को या दोनों को क्या मौका मिलेगा? क्योंकि भारत के गेंदबाजों ने पिछले मैच में भारत की हार करवाई थी। 199 बनाने के बावजूद भारत हार गया था, और अभी अभी कटक से जो खबर आ रही है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर टॉस जीत लिया है। आप जानते हैं कि ओस में टॉस जीतना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर टॉस जीत लिया है, भारत ने एक बार फिर टॉस हार दिया है। सौरव गांगुली नाखून चबा रहे हैं, दादा थोड़े टेंशन में दिख रहे हैं। अब ये बोर्ड की टेंशन है या टीम इंडिया की टेंशन है ये पता नहीं। मदन जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। उम्मीद के मुताबिक दादा टॉस हारना वो 15-20% जो क्रिटिकल चीज होती है ना, वो दूसरी टीम को दे देता है। देखिए, एक तो देखना पड़ेगा विक्रांत, ईस्ट में इस समय इतना ड्यू गिरता है कि नहीं। पता नहीं, वो कल प्रैक्टिस किए होंगे कटक में, वहां पे कंडीशंस देखे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कटक और कल कोलकाता में इतना ड्यू होगा रात को जैसे धर्मशाला में हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि ये टॉस जीत के भारत को बल्लेबाजी करने के लिए भेजना सही होगा कि नहीं एंड में, क्योंकि अगर भारत फिर 175 से 200 रन के बीच बना देता है और फिर रात को ड्यू नहीं गिरता है, फिर वो रन बनाना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो जाएगा। दादा अभी पता नहीं चला कि टीम क्या है, लेकिन आप अगर हो तो क्या बदलाव करें टीम में भारत की? मैं इस टीम में हरभजन सिंह को खिलाऊंगा एज अ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ, और बाकी मेरे हिसाब से टीम सेम रहेगा। थोड़ा सा गलती हुई है टीम सिलेक्शन में, क्योंकि थोड़ा सा तेज गेंदबाजी चाहिए थी तीनों में से एक गेंदबाजों में। तीनों एक ही पेस के गेंदबाज है, एक ही वैरायटी के गेंदबाज है, तो इस चीज़ को भारत को देखना पड़ेगा। बल्लेबाजी में तो कोई तब्दीली नहीं, लेकिन बड़ा मैच है, प्रेशर गेम है, तो हरभजन सिंह की एक्सपीरियंस का जरूरत होगा इस मैच में, अगर आपने उसको टीम में रखा तो। आप की आधी बात सही हुई है, हरभजन सिंह खेल रहे हैं दादा, हरभजन सिंह खेल रहे हैं, लेकिन हरभजन सिंह एस अरविंद की जगह खेल रहे हैं, तेज गेंदबाज की जगह खेल रहे हैं। यानी कि भारत ने मदन जी यहां पर 3 स्पिनर्स को खिलाया है, जैसे दादा ने कहा, हो सकता है धर्मशाला की तरह उतनी ओस यहां पर ना हो, क्योंकि ओस बहुत ज्यादा होती तो शायद भारत तीनों स्पिनर्स को उतारता नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कंडीशन अच्छा है तो 3 स्पिनर उतारने की कोई वजह नहीं है। पर मेरे विचार में क्या है कि हरभजन को चांस देना, हो सकता है कि ये पेसर से ज़्यादा अच्छा डिसीजन हो, क्योंकि इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो अरविंद ने गेंद किया लास्ट मैच में ड्यू के कारण या जो भी कह लीजिए, पर ठीक है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। पर ये है कि देखिए जरा हल्की सी भी ड्यू पड़ जाएगी तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए ये 20 ओवर में बॉल बार बार अगर ग्राउंड पर जब जाता है तो वो उसमें ड्यू तो उसमें लगती चले जाती है, और गेंद जो है जो टर्न करना या सीम करना कम कर देता है, तो यही एक एडवांटेज है साउथ अफ्रीका को टॉस जीतने का। बाकी बिल्कुल जो डिसीजन लिए गए हैं, बैटिंग का कोई चेंज नहीं उन्होंने किया, बॉलिंग में जो लग भी रहा था कि शायद एक स्पिनर ज्यादा खिलाएं, हो सकता है कि ये डिसीजन अच्छा भी हो, ये तो बाद में पता लगेगा। जी, ये 11 है स्क्रीन पर दादा, आप भी देख रहे हैं, एक बदलाव है, एस अरविंद की जगह हरभजन सिंह को खिलाया गया है, यानी कि भारत तीनों स्पिनर्स को खिला रहा है। अश्विन जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, उसके अलावा अक्षर पटेल जिनका एक ओवर 22 रन का गया, भारत वहां से वापसी नहीं कर पाया, और आज हरभजन सिंह खेल रहे एस अरविंद की जगह, यानी कि 2 तेज गेंदबाज, मीडियम पेसर्स भुवनेश्वर और मोहित शर्मा, और 3-3 स्पिनर्स खेल रहे हैं भारत की टीम में। बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं है और ना ही टॉस में कोई बदलाव है, टॉस भी दक्षिण अफ्रीका ने जीता और उम्मीद के मुताबिक पहले गेंदबाजी वो कर रहे हैं। दादा थोड़ी देर पहले बरसात हुई है वहां पर, बरसात अब कहते हैं रुक गई है और अब क्लियर है, क्या यह फैसला सिर्फ ओस के कारण है या दक्षिण अफ्रीका यह भी जानता है कि बरसात दोबारा आई तो डकवर्थ लुईस के तहत हम बाद में चेज करना चाहेंगे?
बिल्कुल, अगर बारिश का फोरकास्ट है तो हो सकता है, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में अभी भी बारिश हो रहा है इस समय, तो शायद वो भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस है जो पिछले मैच में उन्होंने 200 चेस किया, वो पसंद करते हैं कि चेस करें, इसीलिए शायद ये डिसीजन लिया गया, पहला तो ये इस कारण। दूसरा, शायद थोड़ा सा ड्यू अगर वो सोच रहे हैं कि गिरे तो उनका वो एडवांटेज लेना चाहता है। लेकिन भारत ने, जैसा आपने कहा, 3 स्पिनर खिलाया है, कि इसलिए इसमें इससे पता चलता है कि भारत को शायद पता है कि रात को यहाँ पे ड्यू नहीं गिरता, जो मेरे हिसाब से सही डिसीजन है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि ईस्टर्न इंडिया पे इस समय रात को ड्यू गिरेगा। दादा, दूसरी बात गेंदबाजी, आपके साथ बात नहीं हुई है पिछले 2-3 दिनों में, भारत की इस T20 टीम को आप कैसे आंकते हैं? ये टीम टॉप ऑर्डर तो अच्छा है, चेज बड़ा अच्छा कर सकती है, लेकिन गेंदबाजी में वो धार नहीं है। आपने खुद माना कि एक ही तरह के गेंदबाज हैं, अब तक पिछले मैच में ये था कि एक अश्विन गेंदबाज थे जो विकेट ले सकते थे, रन रोक सकते थे, बाकी 16 और ऐसा लगता था कप्तान चाहते कि बस जैसे तैसे हो जाए। एक हरभजन सिंह के आने से क्या वो पैनापन काफी हद तक लौट आता है? देखिए, भारत का टीम अगर आप देखें तो बल्लेबाजी बहुत सख्त है, स्पिन अटैक भी बहुत अच्छा है, तेज गेंदबाजी में थोड़ा सा कमी है। हमें पता है कि सिलेक्टरों ने नए गेंदबाजों को मौका दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्टर को देखना पड़ेगा कि हर फॉर्मेट में T20 क्रिकेट हो, 50 ओवर क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, कहीं ना कहीं एक आउट एंड आउट तेज गेंदबाज होने की ज़रूरत है, जिससे कि बॉलिंग में वेरिएशन आए। अगर आप भुवनेश्वर कुमार या मोहित शर्मा और या उनको देखे, अरविंद को देखे, तीनों का पेस ज़्यादा फर्क नहीं, 1-2 किलोमीटर इस तरफ उस तरफ होगा, तो शायद कहीं ना कहीं उमेश यादव हो या वरुण एरन हो या मोहम्मद शामी जब फिट हो जाए, इन तीनों में से एक को इन फॉर्मेट में भी रोटेट करे, जिससे कि बॉलिंग अटैक को एक बैलेंस मिले। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसे गेंदबाज है जो तेज गेंदबाजी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका देना जरूरी है। मदन जी, आप तो तेज गेंदबाज हैं, अब ये क्या है कि विराट कोहली कप्तान के तौर पर कहते हैं मुझे तेज गेंदबाज चाहिए, जितने वनडे मैचों में भी कप्तानी की, मुझे तेज गेंदबाज चाहिए। धोनी का माइंडसेट शुरू से ये रहा है कि मीडियम पेस है, बस टप्पे पे बॉल डालते रहे डालते रहे डालते रहे, आप वन डायमेंशनल हो रहे हैं, खासतौर से भारतीय पिचेस पर जो अगर सीधी है तो फिर गेंदबाज के पास तो गलती की गुंजाइश भी नहीं है, ना मूवमेंट है, ना वैरायटी है, ना स्पीड है। नहीं, देखिए, जो दादा ने बात कही बिल्कुल सही कही, एक ही तरह के बॉलर है, एक ही स्पीड पे वो गेंद करते चले जा रहे हैं। अगर इससे थोड़ा सा कोई तेज हो, तेज जैसे उमेश यादव हुआ या समी अहमद हुआ या वरुण अरुण हुए, तो डिफरेंस पड़ता है। और अगर इन्होंने डिफरेंस डालना है, ये जो बॉलर मोहित शर्मा और भुवनेश्वर कुमार, तो इनको गेंद सीम कराना पड़ेगा, इन सीधी विकेटों में ये बच नहीं सकते। नहीं, वैरायटी के नाम पर एक ही चीज है कि बैक ऑफ द हैंड आपने स्लोअर वन फेंक दिया, इतना ज्यादा उनके वेरिएशन नहीं है उनके पास, एक आधा स्लोअर वन है वो भी बल्लेबाज पकड़ लेता है, इसने दौड़कर करेगा या स्लोअर वन करेगा, वो आप 2020 क्रिकेट में लोगों ने बैट्समैनों ने पकड़ना शुरू कर दिया, तो उस पर भी मार पड़नी शुरू हो गया। पर एक दो बॉलर जो है, जो विकेट टेकर बॉलर जो है, जो तेज बॉलर है, उनका खिलाने से आपकी टीम में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर ऐसी यही टीम खेलती चली गई, तो 3 स्पिनर जो खिलाए गए, ये जो आपके ओवर कर रहे हैं ना 12 ओवर, अगर ये 12 ओवर आपके अच्छे नहीं हुए स्पिनरों के, तो ये मैच भी आपके। मुझे तो हैरानी इस बात को भी लेकर हुई कि सुरेश रैना को अक्सर धोनी वनडे मैचों में T20 में इस्तेमाल करते हैं, पिछले मैच में इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये समझ नहीं आया। दादा, बल्लेबाजी पर आ जाएं, टॉप हैवी टीम हमेशा की तरह 50-50 हो या 20-20 हो, 1-2-3 लंबे रन इनमें से कोई एक बनाता है, भारत लंबे रन बना देता है। धोनी 5 नंबर पर आए, फिर 4 पर नहीं आए, हालांकि गेंदों में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन वो पुराना धोनी कहां है? आकर वो अभी भी 3-4 ओवर है, लेकिन फिर भी सिंगल्स पर खेलते हैं, वो लंबे छक्के, वो हेलीकॉप्टर शॉट्स, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? देखिए, हर बैट्समैन को थोड़ा सा समय चाहिए। वनडे क्रिकेट में जो आप लंबे छक्के और वो हेलीकॉप्टर शॉट्स देखते हैं, वो थोड़ा सा खेलने के बाद आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 20 ओवर क्रिकेट में अगर धोनी सिर्फ 12-13-14 बॉल खेले हर मैच में, तो एक उनकी जो बैट्समैन की काबिलियत है वो वेस्ट हो रहा है। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि धोनी ऊपर करे। आप साउथ अफ्रीका को देखिए, AB de Villiers से ओपन कराया जा रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो टीम के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। आपको लगता है ना कि 5 की बजाय 4 खेलना चाहिए, वो टीम के लिए अच्छा है, 5 की बजाय 4 खेलना चाहिए 2020 में? बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी को 5 की जगह, बिल्कुल बिल्कुल 5 की जगह 4 खेलना चाहिए 2020 और 50-50 दोनों में। और पिछला आपने जो बात की सुरेश रैना की, जो उनको गेंदबाजी नहीं कराया गया, वो ड्यू के कारण, ऐसे ही अक्षर पटेल को मुश्किल हो रहा था बॉल ग्रिप करने, तो अगर वहां पे और एक स्पिनर करवाते धर्मशाला में, तो और जल्दी शायद मैच खत्म हो जाता। चलिए दादा, छोटा से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारत की पहले बल्लेबाजी है,
ये सेटबैक हो सकता है, लेकिन भारत की टीम में एक बदलाव है, तीन स्पिनर खेल रहे हैं। आज हरभजन सिंह एस अरविंद की जगह खेल रहे हैं। अब जागने का ज्यादा वक्त भी नहीं है, वक्त इसलिए नहीं क्योंकि अगर भारत खुदा ना खास्ता आज का मैच हार गया, ये सीरीज भारत के हाथ से निकल जाएगी। बल्लेबाजी पहले भारत की, टीम में एक बदलाव, ये दो बड़ी खबरें हैं। एस अरविंद लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर की जगह हरभजन सिंह को मौका मिला, यानी कि भारत तीन स्पिनर्स के साथ खेल रहा है। दादा टॉप हैवी टीम, हर मैच में क्या 199 बोर्ड पर आप लगाते रहेंगे इसी तरह से? नहीं, मुझे नहीं लगता। साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है वहाँ पे हर मैच आप 199 लगा सकते, आज नहीं लगेगा क्योंकि आज बड़ा ग्राउंड है। इस विकेट में थोड़ा सा हेल्प होगा गेंदबाजों के लिए, थोड़ा सा तेज़ गेंदबाजों के लिए हेल्प है, स्पिनर्स के लिए भी थोड़ा सा हेल्प होगा। और ग्राउंड जैसा हमने कहा धर्मशाला जैसा छोटा नहीं है, तो ये 150-160 वाला ग्राउंड है, तो गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 160 रन मदन जी भारत की गेंदबाजी को देखते हुए, पता नहीं हरभजन सिंह के आने से अचानक क्या वो जादुई छड़ी मिल जाएगी, 160-170 भारत के लिए काफ़ी है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि 160-170 काफ़ी है, क्योंकि आपको कम से कम 185 के करीब रन बनाने पड़ेंगे। और एक और मैं पॉइंट यहाँ पे लाना चाहूँगा कि देखिए जब आपके जो टॉप के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा रन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रणनीति ऐसी बनानी चाहिए कि जो रन बना रहा है वो लास्ट तक बैटिंग करता चला जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कई बार नए बल्लेबाज को ना सीधे पहले बॉल से हिट करना शुरू कर दे और रन बनाना शुरू कर दे, तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज लाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये यहाँ लाना चाहूँगा कि डिविलियर का ओपनिंग करना, आप देखेंगे जैसे देखिए सौरव जैसे वरिंदर सहवाग जैसे सचिन, इन टॉप जो जिन्होंने इन्होंने इतने मैचेस जिताए हैं अच्छा स्टार्ट देकर, इसी वजह से आज मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने डिविलियर को ऊपर लेकर उन्होंने खिलाना शुरू किया, आप उनकी एवरेज देखिए एक आधे साल के बाद देखिए कि आप वो कितने मैचेस जिताता है, तो चांसेस ज्यादा जो है डिविलियर के ओपन करने से उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में भी आपने देखा 6 ओवर में 70 रन बन गए थे। लेकिन एक फर्क मदन जी और दादा ये भी है भारत और दक्षिण अफ्रीका में कि नीचे आकर उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो लंबी हिटें मार सकते हैं। अब भारत के बैटिंग ऑर्डर को देखें दादा, 6 पर राइडू, 7-8 शायद हरभजन खेलेंगे, 8 अक्षर पटेल, नीचे वो दम नहीं है। नहीं, हरभजन सिंह लंबे हिट मार सकता है, देखिए 20 ओवर में और कितने बल्लेबाज चाहिए। अंबटी रायडू 6 नंबर पे भी अच्छे तरीके से T20 खेलते हैं, आपने IPL में देखा, बेशक वो धोनी जैसे पावर हिटर नहीं है या विराट कोहली जैसे पावर हिटर नहीं है, लेकिन अलग तरीके से रन बनाते हैं T20 में, वो सक्सेसफुल रहे हैं T20 में। तो मेरे हिसाब से लगता है 6 नंबर पे रायडू और 7 नंबर पे हरभजन सिंह सही है। अगर आपके टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएंगे तो नीचे में दबाव जरूर आएगा। अगर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी में देख ले, 7 नंबर पे मॉरिस खेलता है जो शायद आउट एंड आउट ऑलराउंडर नहीं है, तो दोनों टीमों में बैलेंस सही है और दोनों टीमों के टॉप हेवी है। साउथ अफ्रीका में इससे पहले जैक कैलिस खेलता था जिससे कि लगता था कि बल्लेबाजी बहुत लंबा है, और भारत के पास वो ऑलराउंडर नहीं है जो धोनी हर दिन जिक्र करते हैं, तो इसी से दोनों टीम का बैलेंस सेम है। चलिए दादा फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मैच शुरू होने वाला है लेकिन आज तक पर जैसे हमने आपको पहले भी बताया था शाम को ढेरों स्पेशल और एक्सक्लूसिव कार्यक्रम चलेंगे। मुझे दादा और मदन जी को इजाजत दीजिए, मैच एंजॉय करते